अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, न्यूज़ जमुना की न्यूज़ देने से पहले बहुत सारी न्यूज़ेज हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत गिनी चुनी न्यूज़ेज है। सबसे पहले तो यार लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ये बड़ा मसले हो रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो डाउन डाउन जा रही है, मेहनत बहुत हो रही है। आप लोगों को पता है दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं पर उसका वो वाला फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो आप लोग से गुजारिश है लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो भाई न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यमुना की न्यूज़ देने से पहले जेंटलमैन के ऊपर आते हैं। जेंटलमैन पे एक नया टीज़र आने वाला है जिसमें सुहाली अब्रो जैद अहमद का एक साथ ही एक दे दिया है लोगों ने टीज़र, और उसमें फारस नाम है जैद अहमद का और इसका मिफरा नाम है सुहा का। अब देखिए सुहा और जैद अहमद की जोड़ी क्या कमाल करती है, क्या ये दोनों हीरो हीरोइन होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हुमायूं सईद और यमुना एक हीरो हीरोइन की पेयरिंग है, तो इनकी हीरो हीरोइन की पेयरिंग होगी। इनका क्या किरदार है, मुझे लगता है फारस जो जैद अहमद है वो पुलिस वाले होंगे, ये कोई डिटेक्टिव या कोई जासूस या उनकी असिस्टेंट भी हो सकती है, ऐसा भी कोई सीन बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने बताया ये साउथ से ज़्यादा इंस्पायर्ड ड्रामा है जेंटलमैन, और कई लोग मुझसे इत्तफाक नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये बड़ा ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपीड है साउथ की फिल्मों का। क्योंकि अगर आप साउथ की फिल्मों का आपको नहीं पता तो बहुत सारी फिल्में साउथ की आप यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं। पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी जैसे नहीं होता, जिसमें एक बंदा जो बॉस है वो अपने अंडर जिस बंदे से काम ले रहा होता है वही बंदा किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, तो ये साउथ की फिल्मों में हम देख बहुत बार देख चुके हैं। और फिर वही वाला सिनेरियो होता है कि बचाना है, और मैं जो जो बात बोलता हूँ वो सही होती है। मैंने बोला था ये बचाएगा यमुना को, तो उसका एक पोस्टर भी आ गया जिसमें वो यमुना पीछे खड़ी हुई और जो है तगड़ा हो गया हुमायूं सईद खड़ा हुआ है आगे, तो वही बचाएगा। और जैद अहमद का भी मैंने बोल दिया था, जैद अहमद और ये सुहा का एक टीजर 5 में ना ये जैद अहमद और जो सुहा है इन दोनों को निमटा देंगे, मतलब ला के। तो ये वाली भी बात सच साबित हो गई कि भाई भाई का एक्सपीरियंस ज़रूर है, भाई इतना घुस चुका है टीवी फिल्मों में, इतना घुस चुका है कि भाई को पता चल जाता है अच्छा ये फिल्म की नकल है उस फिल्म की नकल है। इवन के कई चीज़ें जब से ये नेट आया है कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता चल जाता है अच्छा ये भारत की फिल्म की नकल है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है साउथ की नकल है, हो सकता है भारत की कोई ड्रामा हो किसी जगह का उसका भी नकल हो सकती है। ओरिजिनल राइटर तो है खलीलुर रहमान, उसमें कोई शक नहीं है, वो बड़े अच्छे राइटर हैं, पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इंस्पायर्ड इंसान को करता है ना। मेरे को भी अगर मैं भी कुछ लिखने बैठूँ या मैं कुछ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंस्पायर करेगा, तो इंस्पायर्ड ही है ये ड्रामा, अच्छा होगा मुझे इससे उम्मीद है। यमुना के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि यमुना इंडिया में जितनी पॉपुलर है मलयालम इंडस्ट्री में भी पॉपुलर हो रही है, वहाँ पे भी उनके जो है ना कवर फोटो लगाए जा रहे हैं। तो क्या यमुना मलयालम इंडस्ट्री में भी डेब्यू करेंगी आगे जाके, हो सकता है। मायरा खान तो आ रही हैं तमिल फिल्म में, तो सुनने में आ रहा है कि मलयालम फिल्म में शायद यमुना को मौका मिल जाए, तो अच्छी बात है यार। यमुना इतनी टैलेंटेड है कि मलयालम फिल्म में भी अपना एक नाम बना लेगी, वो बंदी का अलग ही सोया गया। तो तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो, क्या मलयालम फिल्मों में भी यमुना दिखाई देगी? अगर दिखाई देती है तो अच्छी बात है, मायरा तो दिखाई देगी तमिल फिल्म में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता देखो पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिर से शुरू हो रहे हैं काम अपना करना इंडिया में, अब देखते हैं कि किस हिसाब से उनको काम मिलता है, क्या बराबरी के या वही कि उनको एक साइड किरदार दे दिया जाए, या अगर बराबरी का किरदार दे रहे हैं तो उनको फुल पोटेंशियल के साथ काम करने, जबकि इंडिया वाले देते हैं काम, अच्छी बात है वो करने देते हैं फुल पोटेंशियल के साथ, पर कई कई जगहों पे वो अच्छे अच्छे स्टार्स जो है हमारे उनको साइड लाइन करके अपने आप को ज़रा आगे रखते हैं। जैसे आपको पास्ट में पता है अली ज़फ़र कतरीना कैफ की जो फिल्म आई थी उसमें अली ज़फ़र हीरो ही नहीं था, इमरान खान हीरो था। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देखनी पड़ती हैं। तो आपको इसमें क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी बात है अगर मलयालम फिल्म में यमुना आती है तो अचीवमेंट है हमारे लिए। चलो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।